आज दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल सरकार पर कई सवाल दागे हैं और कई सवालों का जवाब भी दिया है। धरने को लेकर केजरीवाल एंड पार्टी को लिया आड़े हाथ। अरविंद केजरीवाल जी स्वस्थ होके लौटे, 9 दिन तक वो एलजी हाउस के अंदर घुस करके धरना और पसरना करते रहे। धीरे धीरे उनके सभी साथी कोई खिड़की से कूद के भागा, कोई बीमारी के नाम पे स्ट्रेचर पे कूद के भागा। अंत में जब वो खुद देखे कह रहे तो सब भाग गए, हम अकेले पड़ गए। तो उन्होंने एलजी के प्रथम दिन के जवाब को, एलजी के प्रथम दिन के मुलाकात में जो बातें कही गई थी उसी के आधार पर उन्होंने धरना खत्म कर दिया। बिजली के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा, कहा दिल्ली की जनता को धोखा दिया जा रहा है। बिजली के उपभोक्ताओं पर 200 करोड़ रुपया पर मंथ की लूट होने लगी फिक्स चार्ज के आधार पे। और ये सिर्फ ऐसा भी मत सोचिएगा कि ये लूट किसी एक खास वर्ग पे हुई। जो 27 लाख के आसपास 2 किलोवाट से कम के उपभोक्ता है बिजली के, उनका 125 रुपया फिक्स चार्ज कर दिया गया 35 रुपया से बढ़ाकर। बाकी 2 किलो से 5 किलोवाट का और ज्यादा फिक्स चार्ज बढ़ाया गया, 5 किलोवाट से और ऊपर वालों का और ज्यादा फिक्स चार्ज बढ़ाया गया। और दिल्ली की जनता को एक ऐसा धोखा दिया गया, एक तरफ दिखा रहे हैं देखो मैंने पर यूनिट ये 4 रुपया का 3 रुपया कर दिया, और एक तरफ फिक्स चार्ज इतना लगाए कि जितना कभी बिल नहीं दिया गया था उतना बिल दिल्ली की जनता से वसूला गया। आज दिल्ली के तमाम उपभोक्ता बिजली के इस धोखे से हैरान हैं, सड़कों पे हैं, हम भी उनकी आवाज को लेकर सड़कों पे हैं। पानी को लेकर केजरीवाल सरकार को दिया करारा जवाब। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी के उस सवाल का जवाब देने के लिए स्पेशली बैठा हूं जिसमें वो कहते हैं कि दिल्ली को हरियाणा सरकार पानी देना कम कर दी। टोटल इनको पानी मिला है 2014 में 4,64,607 लीटर, जो 2013 से 6,000 मिलियन लीटर ज्यादा है। चूंकि 2014 में भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं थी, हमारी हरियाणा में बीजेपी की सरकार उसके बाद आई है। अब 2015 में क्या हुआ, 2015 में जो 4,64,607 मिलियन लीटर मिला था उसको हम लोगों ने सीधे लगभग 45,000 मिलियन लीटर बढ़ा करके 5,09,223 मिलियन लीटर कर दिया गया। मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल के होने से जल बोर्ड को हुआ करोड़ों का नुकसान। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जल का विभाग संभाले, आरटीआई की रिपोर्ट के अनुसार हमने निकाला, हालांकि ये जानकारी आपको पहले मिल चुकी थी, मैं सिर्फ आज एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जल विभाग संभाले उसके अगली रिपोर्ट आने तक लगभग 1.5-2 साल में 800 करोड़ का नुकसान जल बोर्ड को हो गया।